去辣椒。कांग्रेस नेता रामेश्वर ड्यूटी को हुआ है जयपुर मानसरोवर मंगलम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल पहुंचकर रामेश्वर ड्यूटी का हालचाल जाना और अब डॉक्टर से लगातार हालचाल भी ले रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट आपको बताते चले, रामेश्वर डीडी को अब एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मंगलम अस्पताल में इससे पहले उनका इलाज किया जा रहा था, ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्हें मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस में रामेश्वर डूडी को ले जाते हुए और अब इसके ठीक बाद एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज किया जाना है। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे थे, मंगलम अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना था, डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की थी और आगे का इलाज अब एसएमएस अस्पताल में किया जाएगा। रामेश्वर डूडी को अब रेफर कर दिया गया है जयपुर एसएमएस अस्पताल के लिए। तो एक जाना माना चेहरा कांग्रेस नेता रामेश्वर डीडी जो कि ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं और डूडी को अब एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की ओर से अब मैसेजेस भी सामने आ रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं और ये प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक हो जाए और दोबारा से हम सभी के बीच सामने आ जाए, ठीक ठाक से सब कुछ हो जाए। इसी को लेकर अब उन्हें रेफर किया गया है एसएमएस अस्पताल में। बाबूलाल धाल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब रेफर कर दिया गया है एसएमएस अस्पताल के लिए, कितना वक्त लगेगा अस्पताल पहुंचने में और अभी क्या स्थिति है उनकी? और उनके सुप्रीम तक उनकी जल्द सलामती की दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो यहाँ से करीब 15 मिनट में एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएंगे और हायर सेंटर है एसएमएस अस्पताल जहां पर तमाम सुविधाएं हैं और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस के अधीक्षक से यहां पर जितने भी न्यूरो से जुड़े हुए डॉक्टर हैं शहर के उनसे भी बातचीत करी है। तो तमाम जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उन्होंने एक ही सलाह दी है कि इनको तत्काल जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जाना जरूरी है। तो वहां पर इलाज में जो है थोड़ा यानी कि ठीक से वहां पर इलाज सुलभ हो सकेगा, हायर सेंटर है और वहां पर विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं वो हैं। तो ड्यूटी जो है व्यस्त बहुत ज्यादा थे पिछले कई दिनों से और लगातार दौरे कर रहे थे, देर रात झुंझुनू से लौटे थे, आज उनको अलवर जाना था और कल जिस बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं उसका भी एक बड़ा कार्यक्रम होना था। तो रेस्टलेस हो गए थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे शरीर पर। आज सुबह उनको पहले सिर में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर को बुलाइए, तो जो उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा डॉक्टर बुलाया इससे पहले कि डॉक्टर घर पे आता। और अब ये देखिएगा कि एसएमएस अस्पताल के लिए ड्यूटी को लेकर के ये जो विशेष एम्बुलेंस है ये रवाना हो गई है और कुछ ही मिनटों में यानी करीब 15 मिनट में ये एम्बुलेंस एसएमएस अस्पताल पहुंच जाएगी जहां पर ड्यूटी का उपचार किया जाएगा। सीधे आईसीयू में लेके जा रहा है उनको और वेंटिलेटर पे लिया जाएगा उनको। तो सारे उपकरणों से लैस है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उनको वहां पहुंचने में। लेकिन जो नेता है वो अपनी सेहत को भूल जाते हैं, चुनावी साल चल रहा है, चुनावी मौसम में अगर वो इस तरह से जो है अपनी सेहत के साथ समझौता करेंगे तो फिर इस तरह से जो है मुश्किलें पेश आ सकती हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं सारे के सारे नेता और उनमें से डूडी भी एक थे जिनकी कई जिलों का उनको जिम्मा दिया हुआ है जहां पर वो दौरे कर रहे हैं, पार्टी के लिए रैलियां कर रहे थे और पिछला चुनाव क्योंकि वो हार गए थे
उस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो इस बार उनको ज्यादा मेहनत अपने इलाके में भी करनी पड़ रही है, खासतौर से नौका में और श्री डूंगरगढ़ और लूणकरण सर, पता नहीं वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर से वो अपना एक वजूद खड़ा करना चाहते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे तो एक बड़ा चेहरा बन गए थे और उससे पहले वो सांसद भी रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पाए पिछले कई दिनों से, तो रेस्टलेस हो गए थे, आराम नहीं कर पा रहे थे, और आज जब सुबह सिरदर्द की शिकायत हुई तो डॉक्टर को उन्होंने घर पे बुलाया, लेकिन डॉक्टर जब तक आते वो बेहोश हो गए घर पर ही, उसके बाद में यहाँ पर नजदीकी अस्पताल है वहां पर उनको लाया गया, तो सीधे जो है डॉक्टरों ने उपचार की कोशिश भी की लेकिन अभी उनकी तबीयत में कोई ज्यादा सुधार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी उनकी कुशलक्षेम पूछी, तमाम डॉक्टरों से भी उन्होंने बात करी है, तो सब ने एक ही राय दी है कि उनको तत्काल SMS अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए और वहां पर जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में इनका उपचार चलेगा, हो सकता है वहां पर सुधार जो है उनकी सेहत में जल्द आए। तमाम जो उनके शुभचिंतक है बीकानेर से लेकर जयपुर तक, वो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और डूडी की जल्द यानी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल बाबूलाल, कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक हो जाएं। अब उन्हें SMS अस्पताल रेफर किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोशिश की जा रही हो कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, शुभचिंतक भी पहुंचे होंगे वहां पर। जिले के बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और क्योंकि डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है, तो सरकार की ओर से पूरी जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है। HR कुड़ी है उनसे जानते हैं जो डूडी साहब से मिलकर के अभी आए हैं। कुड़ी साहब, कैसी तबीयत है उनकी और SMS रेफर किया गया, कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही है आपको? SMS के वो डॉक्टर आ गए थे अचल शर्मा, उनकी एडवाइस पे वहाँ SMS शिफ्ट किया है, ठीक है, पोजीशन स्टेबल है, अच्छी पोजीशन है, डॉक्टर कह रहे हैं जल्द सुधार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल कितने कंट्रोल में है SMS, जो उनके फंक्शन है वो नॉर्मल है कुछ? हाँ सब नॉर्मल है फंक्शन, लेकिन कोमा में है फिलहाल। हाँ फिलहाल कोमा में कह सकते हैं क्योंकि एमरेज हुआ है, तो यहाँ हॉस्पिटल तुरंत लेके आ गए थे, मेडिकल एड मिल गई है, CM साहब भी बाजार गए थे, CM साहब के आने से बहुत सी चीजें ठीक हो गई, डॉक्टर भी आ गए, अब वहाँ लेके गए हैं। ये थे HR कुड़ी जो बेहद नजदीकी हैं रामेश्वर डूडी के, और बरसों से उनका लगाव रहा है, जब उनको भर्ती कराया गया था तब ये भी उनके साथ में थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में पहुंचे थे अस्पताल, तो तमाम जो शुभचिंतक हैं जो उनसे लगाव रखते हैं, रामेश्वर डूडी की एक खूबी है कि वो जमीन पर चलने वाले नेता हैं और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, जो मन में रहता है उनके वही जबान पे आता है, और ज्यादा जो आजकल के जैसे नेता होते हैं वैसी उनकी शख्सियत नहीं है, जो मन में है वही बात उनकी जबान पर है, और ज्यादा श्रूड पॉलिटिशियन वो नहीं है, और यही वजह है कि LOP होने के बावजूद भी वो पिछला चुनाव हार गए थे, उनको ये लग रहा था कि मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा, तो लोकल परिस्थितियों का उन्होंने ख्याल नहीं रखा था, और उसके बाद में वो पूरे राजस्थान के दौरे करते रहे लेकिन नौखा में वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो राजस्थान की सरकार ने फिर भी उनका मान सम्मान बहाल रखा, अशोक गहलोत ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और वो राजस्थान कांग्रेस के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे थे, चुनाव में बहुत ज्यादा जो है जहां भी जिम्मेदारियां मिल रही थी वहां पर ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन इस बीच बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, ज्यादा दौरे करने की वजह से शायद ये मुश्किल आई, आज ये संकट की घड़ी है, उनके परिवारजनों के लिए भी परेशानी का वक्त है, लेकिन उनके लिए दुआएं करने वालों का एक लंबा यानी कि उनकी तादाद है, बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा है, जमीनी नेता है वो, तो ऐसे में सब लोग यही पिता से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के वापस आ चुके हैं, और निश्चित तौर पर शुभ चिंतक लगातार भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक हो जाए। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे बाबूलाल, टॉप के डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंची, ब्रेन हेमरेज की वजह से कितना डैमेज हुआ है इसे लेकर कोई अपडेट मिल पाया है आपको बाबूलाल? जी देखिए, अभी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनमें एनर्जी है, वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तला हुआ भुना हुआ खाना नहीं खाते हैं, ठंडा बासी भी खाना नहीं खाते हैं, सेहत के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक माने जाते हैं रामेश्वर डूडी, और कोई जिस तरह की लाइफ स्टाइल होती है नेताओं की वैसी उनकी नहीं है, बिल्कुल सादगी से जीवन जीते हैं,
तो बहुत ख्याल रखते रखते भी लग यही रहा है कि वो शरीर को पर्याप्त विश्राम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई आज। हाँ। तो फिलहाल वो कोमा में है और बोल पाने की स्थिति में नहीं है अभी। सुधार की ज्यादा यहाँ पर जब गुंजाइश नहीं दिखी तब कहीं जाकर उनको SMS भर्ती कराने के लिए भेजा गया है। तो दुआएं उनके लिए हाथ उठ रहे हैं और सब लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि डूडी जल्द स्वस्थ होकर उनके बीच में आ जाएं। हाँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके उपचार की जानकारी ले रहे हैं, यहाँ पर काफी देर तक रुके और लोगों से उन्होंने बातचीत करी, सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे राय मशवरा किया है और SMS में अब उनका उपचार जब शुरू होगा तब उम्मीद है कि जल्द उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और जो लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाएं भी कबूल होंगी। तो डूडी को बचाने के लिए, डूडी की जिंदगी के लिए सब लोग दुआएं कर रहे हैं, जो भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वो किसान परिवार से आए और राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक बने, सांसद भी रह चुके हैं और कई अहम अहदों पर काम किया, पार्टी के लिए उनका जीवन बहुत अनमोल है और डूडी की उपयोगिता को पार्टी समझती है, खासतौर से बीकानेर संभाग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हमेशा से रही है, इसलिए पार्टी के लिए वो जितना जल्दी ठीक हो करके और काम करेंगे उतना ज्यादा चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। तो सब फिलहाल तो दुआएं यही करेंगे, जल्द डूडी स्वस्थ हो जाए और बिल्कुल बाबूलाल दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। न्यूज 18 राजस्थान भी ये प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी ठीक ठाक हो जाए और हमारे बीच पहले की ही तरह हंसते हुए नजर आए। बाबूलाल अब SMS अस्पताल पहुंचाया जा रहा है डूडी को, क्या वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत सर्जरी की जाएगी? डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात हो चुकी है और यहां से भी कुछ डॉक्टर्स का पैनल वहां पहुंच रहा है क्या? जी, जितने भी शहर के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दूसरे जो स्ट्रोक से जुड़े हुए और ब्रेन हेमरेज का उपचार करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद में SMS अस्पताल बुला लिया गया है और वहां पर उनकी जांच की जाएगी। MRI और CT स्कैन हुए हैं उनके और उसके बाद में किस तरह से उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा इस पर सारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो चर्चा करेंगे और माना यही जा रहा है कि जल्द उनका जाते उपचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है इलाज का तो उसी के मुताबिक उनका भी इलाज शुरू होगा। डूडी की जो हिस्ट्री है, कौन कौन सी उनको बीमारियां रही उसका भी पता रखे और फिर जो है उपचार उनका शुरू होगा। लेकिन ज्यादा बीमार रहते नहीं है वो, बहुत ही अपना सेहत का ख्याल रखने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं। तो कोशिश यही है डॉक्टरों की कि उनको जल्द जो है पहले तो होश में लाया जाए, तो डायग्नोस जल्द किया करने की कोशिश होगी कि डैमेज कितना हुआ है, कितना क्लॉट है, किस तरह से हेमरेज की वजह से उनके दिमाग को और कितना उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा है, तो उन तमाम चीजों पे कोशिश होगी और डॉक्टर्स जो हैं वो जुटेंगे उनके उपचार में। साथ ही सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है कि डूडी को हर हाल में जल्द से जल्द स्वस्थ करना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी हैं इस वक्त और हमेशा से CM अशोक गहलोत जब भी कोई नेता बीमार होता है, कोई आमजन बीमार होता है तो भी उसकी फिक्र करते हैं, तो डूडी तो उनके बहुत ज्यादा नजदीकी शुमार है इस वक्त और पिछले काफी वक्त तक वो सचिन पायलट के भी नजदीक रहे थे, लेकिन इस वक्त डूडी जो है वो अशोक गहलोत के नजदीकियों में शामिल है। तो अब कोशिश यही है कि डूडी को जल्द स्वस्थ करने के लिए जितना भी संभव होगा उतनी कोशिश की जाएगी और SMS अस्पताल, क्योंकि उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में गिना जाता है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि पूरी ताकत झोंकी जाएगी उनके उपचार के लिए और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे उनको होश में लाने की, उनको जल्द स्वस्थ करने की दिशा में जो भी बन पड़ सकता है वो किया जाएगा। बिल्कुल बाबूलाल, जो भी बन सकता है, जो भी कोशिशें डॉक्टर्स की ओर से की जानी है वो तो की ही जा रही है। मुख्यमंत्री खुद तुरंत अस्पताल पहुंचे, तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर डॉक्टर्स के पैनल के साथ भी खास चर्चा उन्होंने की और जानकारियां भी ली और अब आगे SMS अस्पताल में इलाज किया जाना है। क्या CM वहां पर भी पहुंच रहे हैं बाबूलाल? जी देखिए, CM अशोक गहलोत यहां से पहुंचे, हो सकता है भर्ती करने के बाद में फिर से मुख्यमंत्री वहां पर जाएं, क्योंकि जिनसे भी उनका लगाव रहता है और उनके कोई तकलीफ आती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो इस परिस्थिति में वो उनके परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि डूडी के पास में शुभचिंतकों का एक सैलाब है जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और बीकानेर से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जिनसे भी उनका लगाव रहा है डूडी को। ठीक है बाबूलाल, आपके साथ बने रहेंगे। अरबाज सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SMS अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अरबाज, क्या तैयारियां वहां पर और कितना वक्त लग सकता है रामेश्वर डूडी के वहां पहुंचने में?
जी बिल्कुल, देखिए ये वहां से रवाना हो गए हैं, पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं यहां पर जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है, जो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है उसकी वजह से यहां पर लेकर के आए गए हैं और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए पूरी टीम तैयार है। बाकायदा बेड यहां पर तैयार है, ऑक्सीजन सिलेंडर और बॉक्स यहां पर तैयार है, पूरी टीम को अलर्ट कर दिया गया है और यहां पर जो पूरे राजस्थान के सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जन है उनको बुला करके बैकअप के लिए तैयार किया गया है। ऊपर ओटी तैयार कर दिया गया है और आप देख सकते हैं पूरा कॉरिडोर क्लीन करवा दिया गया है, यहां पर टीम को लगा दिया गया है। जो मेडिकल अटेंडेंट है बाकायदा वो यहां पर रेडी है कि जैसे ही ड्यूटी को लेकर यहां पहुंचेंगे तो उनके लिए बाकायदा क्या तैयारी आप लोगों ने की है? सर ट्रॉली, ऑक्सीजन सिलेंडर, अम्बु बैग और सीधे वो ओटी में जा। आप बताइए अनिल जी, आप बोल दो क्या तैयारियां आपकी? तैयारी पूरी है, सुपरिंटेंडेंट अचल शर्मा जी और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बदरट्टा जी दोनों मंगलम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, सीएम साहब से बात हो गई, सीएम साहब ने फोन कर दिया, ओटी बिल्कुल रेडी है। ओटी में क्या तैयारी की है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हेमरेज हेमरेज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, न्यूरोलॉजिकल जो सर्जन से बिल्कुल ऑपरेट करना पड़ेगा। जी खुद भी आए रहे हैं अभी मंगलम हॉस्पिटल ही थे। जी जी ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। किस तरह से चोट लगी, क्या पूरा उसका हिस्ट्री का? नहीं लगी, सीवियर हेडक हुआ था। जी जी और हेडक होकर के वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो गए, मंगलम हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे चेंज करवा रहे हैं हम बेड ऑक्सीजन का। मंगलम हॉस्पिटल आया, वहाँ पे सिटी स्कैन कराया, वहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने देखा। जी जी और देख करके ये डायग्नोस हुआ कि ब्रेन हेमरेज है और अभी वो बात पूछिए क्या ये रिपोर्ट उन तक पहुँची है कि कितना डैमेज हुआ है? अनकॉन्शियस। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन की तैयारी है और जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जो पूरी टीम है तैयार है, यहाँ पर लोगों को पीछे हटाया जा रहा है क्योंकि उनके कई शुभचिंतक और समर्थक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, और आप देखिए पूरा काफिला यहाँ आ गया है और इसको पूरा आप लेकर के पहुंच रहे, ये एम्बुलेंस आ गई है जिसमें रामेश्वर ड्यूटी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे, तो आप देखिए कि यहाँ सर लेकर के आया जा रहा है और सीधे मंगलम से ही SMS हॉस्पिटल पहुंची है और यहाँ पहुंच करके सीधे अंदर तैयार पूरी टीम है और आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे जिस तरह से पूरी टीम रेडी है कि जो रामेश्वर ड्यूटी को लेकर के आए, जैसा बताया जा रहा है कि अनकॉन्शियस कंडीशन में थे वो और उन्हें अब अंदर लेकर के जाएंगे और जो कंडीशन है उसके अंदर बाकायदा आप देखिए कि पीछे से पूरा जो मेडिकल महकमा है, हेल्थ मिनिस्टर है, बाकायदा पूरा SMS सुपरिटेंडेंट की टीम है, वो सब आगे भीड़ से सभी लोग पीछे हटते कि कह रहे हैं कि रास्ता दें, किसी तरह की कोई परेशानी या बाधा यहाँ पर पैदा नहीं करें और जो कंडीशन है मेंटल जो हेल्थ है उसको लेकर के यहाँ पर बैकअप पूरी टीम तैयार है। खुद जो न्यूरो सर्जन है वो साथ में मौजूद है, SMS की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और जो कांग्रेस के जो लोग हैं साथी लोग सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि पीछे हट करके जल्दी से जल्दी उन्हें अंदर पहुंचाने के लिए रास्ता दिया जाए। जो टीम है उसको बताया गया है कि सेमी कॉन्शियस कंडीशन में है रामेश्वर ड्यूटी, सुबह सीवियर हेडेक होने के बाद में ये पूरी घटना हुई और मंगलम हॉस्पिटल में जिस तरह की कंडीशन थी अभी सजेस्ट किया गया उन्हें ऑपरेशन के लिए और सीधा अंदर जो ओटी है वो तैयार कर दिया गया है, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर के जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम पूरी तरह से जब तक मूव करने के मूड में नहीं है वो पूरा बेड को, सारी चीजों को, सारी जो व्यवस्थाओं को जांच नहीं लेते क्योंकि उनके लिए मूवमेंट इसलिए बड़ा जो है संकट पैदा कर सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रोक सेंटर है उसके अंदर उनको ऊपर ले जाया जाएगा और रामेश्वर ड्यूटी जो है उनको लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं और सीधे जो आप देखिए कि अभी एम्बुलेंस के अंदर ड्यूटी मौजूद है और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरा जो सरकार है, कांग्रेस की इनकी पूरी टीम है, सभी लोग यहाँ पहुंच गए और जिस तरह की जो चीजें हैं आपके सामने हैं कि राजस्थान के कद्दावर नेता जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हुए हैं पहले और उन्हें लेकर के अब सीधे ऊपर जो है मूव किया जा रहा है और जैसी कंडीशन है सभी लोग प्रदेश भर में उनके शुभचिंतक हैं, ये कामना कर रहे हैं कि जल्दी रामेश्वर ड्यूटी स्वस्थ होकर के वापस आए और आप देखेंगे अनकॉन्शियस कंडीशन में है अभी पूरी तरह से, पहले सेमी कॉन्शियस बताए जा रहे थे क्योंकि जो कंडीशन थी इनकी पहले SMS के अंदर यहां लेकर के पहुंचे और अभी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुके हैं। जैसा कि हम विजुअल में देख सकते हैं रामेश्वर ड्यूटी होश में नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि वहां से जब इन्हें लेकर के रवाना हुए थे वो आधे होश में बताए जा रहे थे, सेमी कॉन्शियस कंडीशन में थी और अभी सीधे इनको फटाफट जो CCU यूनिट है स्पेशल वहां पर लेकर के पहुंच रहे हैं। ओटी में जो बेस्ट न्यूरो सर्जन है वो तैयार है, बाकायदा राजस्थान का पूरा महकमा यहां पर तैयार है, जो मेडिकल टीम है वो तैयार है, बहुत से लोग जो अटेंडेंट थे साथ में थे उसमें कांग्रेस की टीम के अलावा
जो इनके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, दोस्त हैं, सभी लोग पहुंचे हैं। लिफ्ट के जरिए इनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है और सीधे लेकर के आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो 11 भी है उसमें लेकर के पहुंचेंगे। मेरे साथी महेश दादी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो मेडिकल पूरी तरह से कवर करते हैं। महेश, क्या अपडेट है हेल्थ को लेकर? देखिए बिल्कुल, न्यूरो सर्जरी में जो है यहाँ जो डिपार्टमेंट है बांगड़ हॉस्पिटल में, इसमें यहाँ पर लाया गया है रामेश्वर टूटी, कांग्रेस नेता है उनको, और आप देख रहे हैं कि उनको न्यूरो सर्जरी आईसीयू में ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर जो अधीक्षक है डॉक्टर अचल शर्मा, खुद वरिष्ठ जो है न्यूरो सर्जन है और न्यूरो सर्जरी के बड़े चिकित्सक हैं, और इस लिहाज से जो है कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि 11 बी जो लिफ्ट है उसके अंदर यहाँ लेकर के आए हैं। पीछे पूरा कॉरिडोर क्लीन कर दिया है बांगड़ के अंदर। यहाँ पर जो राजस्थान में न्यूरोलॉजिकल साइंसेज का सबसे बेस्ट सेंटर माना जाता है बांगड़, यहाँ लेकर के आए। आप देखें कि ये लिफ्ट में ऊपर आ गए हैं लेकर के और सीधे अब अंदर लेकर के पहुंच रहे हैं। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि इस टाइम रास्ता बिल्कुल क्लियर रखा जाए, सीधा अंदर पहुंचाया जाए, क्योंकि करीब 10 से 15 मिनट का इनका सफर रहा मंगलम से लेकर के यहां तक का, और बहुत जिस तरह की कंडीशन है उसमें लगता है कि बहुत जल्दी ही कुछ यहां पर ऑपरेट करना पड़ेगा। अनकॉन्शियस हो गए हैं पूरी तरह से रामेश्वर टूटी जैसे मुझे नजर आया विजुअल में। महेश देखिए बिल्कुल अरबाज, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से अनकॉन्शियस की स्थिति में कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं रामेश्वर टूटी। पूर्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस में एक बड़ा कद्दावर नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, और आज सेहत उनकी खराब हुई है। न्यूरोलॉजी आईसीयू में जो है यहाँ पर जी बिल्कुल, न्यूरोलॉजिकल आईसीयू के अंदर कौन कौन से डॉक्टर हैं जो ऑपरेट करेंगे उन्हें देखेंगे? देखिए न्यूरो आईसीयू में जो डॉक्टर अचल शर्मा है, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको जो अधीक्षक हैं एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन है, और वो यहाँ पर जो है यहाँ न्यूरो सर्जरी में उनका जो सर्जरी अगर कोई है ब्रेन से रिलेटेड तो उसको वो अंजाम दे सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो है अशोक गुप्ता जो है वो वरिष्ठ न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर मनीष अग्रवाल है वो उनके साथ में आए। सर आप वहाँ से चल दिए थे मंगलम से, वहाँ सेमी कॉन्शियस कंडीशन में थे तो क्या रहा? सर वहाँ पर जिस तरह की दिक्कत आई थी उस हिसाब से ऑपरेशन होना तुरंत ही आवश्यक था, तो ऑपरेशन के लिए यहाँ पर अपने बांगड़ हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन के लिए शिफ्ट किया गया है, और अभी आपके सामने लेकर आए ही है। दिक्कत थोड़ी सी बता रहे हैं तो ऑपरेशन होना अति आवश्यक है। अभी अंदर आप लोगों ने कितनी देर में पहुंचे वहां से जब रवाना हुए थे? हम सिर्फ ओनली 15 मिनट में पहुंचे सर, मंगलम से यहां तक 15 मिनट में। ग्रीन कॉरिडोर हो गया, वहां बता रहे हैं कि थोड़ा आधा होश में थे, यहां आकर के पूरे बेहोश नजर आए। नहीं सर, वहीं कंडीशन पूरी उनसे ही ऐसी होगी। अभी क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या आगे कुछ तैयारी है कुछ आफ्टर ऑपरेशन के बाद ही कुछ कहा? ऑपरेशन के बाद कितनी देर में करेंगे ऑपरेशन? हैंड टू हैंड की बोला सर, हैंड टू हैंड ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, और जिस तरह की कंडीशन है मुख्यमंत्री को वहां पर रिपोर्ट किया गया, सारी चीजें बताई गई, तो रिपोर्ट्स के तुरंत बाद ही उन्होंने पूरी टीम को एक्शन में आने के लिए कह दिया था। यहां पर ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया गया था, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ खास लोगों को, परिवार के सदस्यों को जिनकी जरूरत हो सकती है उनको यहां पर अंदर अलाउ किया जा रहा है, बाकी जो टीम है बाकी जो शुभचिंतक हैं उनको बाहर रोका जा रहा है। जी महेश कुछ अपडेट लेकर आए? देखिए बड़ी अपडेट यह है, डॉक्टर रशीम कटारिया है और साथ ही में जो जिस तरह से मैं बता रहा था कि अधीक्षक है अचल शर्मा, वो यहां पर जो है न्यूरो सर्जरी में पहुंच चुके हैं, और कुछ देर में जो है